यहाँ रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठकें जारी है। आज भी कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठकें जारी है। आज भी कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक राजीव भवन में होगी, जहां पर पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में लगी हुई है। लगातार बैक टू बैक बैठकें की जा रही है। आज भी कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी। राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगी हुई है। बैक टू बैक बैठकें जारी है। आज भी कांग्रेस की एक अहम बैठक है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवम जुड़े थे, उनके पास वापस चलेंगे। शिवम, ये रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की बैठकों में उपचुनाव की में कांग्रेस की लगातार बैठकें जारी है, पूरी तैयारी कांग्रेस में लगी हुई है, इस पर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए चिरायु, लगातार जब से दक्षिण उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार कांग्रेस बैठक कर रही है। हाल ही में उन्होंने 4 दिन पहले ही बड़ी कशमकश के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी का नाम घोषित किया। उसके बाद लगातार जो नेता रूठे हैं, जो दावेदार रूठे हैं, जिनको चुनाव लड़ना था, जो अपनी दावेदारी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से पेश कर रहे थे, वो रूठ गए हैं और उनको मनाने का सिलसिला जो है चल पड़ा है। बीते कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी, जब रायपुर दक्षिण के जिला कांग्रेस कमेटी में ये बैठक हुई थी और वहाँ पर जो भी नेता थे, जो दावेदार थे, उनको लगभग मनाने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ साथ जो जिला कांग्रेस कमेटी का जो लक्ष्य है कि दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होनी चाहिए, तो उसको लेकर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात यह रही कि इसमें प्रत्याशी आकाश शर्मा शामिल नहीं हुए थे और उसके बाद पदाधिकारी जो थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और इस चीज को संगठन से रूबरू कराया, कांग्रेस पार्टी से रूबरू कराया कि बिना आकाश शर्मा के जब वो किसी और दौरे पर रहे, जब वो किसी और वार्ड में प्रचार कर रहे हों, तब उनकी गैर मौजूदगी में कैसे लोगों से बातचीत करनी है और कैसे पदाधिकारियों को अपना काम करना है। जो रणनीति बनाई गई है उसमें भूपेश बघेल शामिल रहे हैं, उसमें दीपक बैस शामिल रहे हैं, उसमें जो सह प्रभारी सचिव विजय जांगीर हैं वो उस बैठक में शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा कल हुई थी, अब उसी चर्चा का आज दूसरा दौर है, थोड़ा बड़ा उसका दायरा है। आज जो है संगठन जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपने की बात हो रही है। जो विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनकी जो है ड्यूटी लगाए जाने की बात कही जा रही है और उस ड्यूटी को रायपुर के दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए लगाया जाएगा। और जब आकाश शर्मा के साथ विधायक रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो रणनीति जो कांग्रेस बना रही है लोगों को आकर्षित करने की और कांग्रेस की तरफ झुकाव लाने की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई देगी। और इस चीज को लेकर के आज बड़ी बैठक है जिसमें और ज्यादा रणनीतियां साफ होंगी कि कैसे जो पदाधिकारी हैं वो आकाश शर्मा की मदद कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके खिलाफ है सत्ता पक्ष से उनकी लड़ाई है कांग्रेस की। और इस चीज के लिए लगातार जो मंथन चल रहा है, मुद्दे जो खोजे जा रहे हैं वो 10 महीने की सरकार से ही खोजे जा रहे हैं और इस चीज को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। अब दक्षिण जो विधानसभा का उपचुनाव है वो 13 नवंबर को होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में लगातार बैठक चलेंगी और बैठक के साथ साथ रणनीतियां बनाई जाएंगी किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को हराना है। जी, मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। कांग्रेस पूरी जान फूंक रही है, अब देखते हैं कि इस पे क्या होगा। बने रहिए आप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।